नमस्कार दोस्तों, मैं इस मदन सर और आप देख रहे हैं हमारा यूपी लाइव 100 न्यूज। यूपी लाइव 100 न्यूज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। देश भर के हर छोटी बड़ी खबरों के साथ बने रहिए सिर्फ यूपी लाइव 100 न्यूज। चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। नाबालिग के साथ बलात्कार कर जान से मारा, बांदा शहर कोतवाली के चोटरा मोहल्ला निवासी केतकी पत्नी रामदास ने मोहल्ले में ही रहने वाले कुछ युवकों के ऊपर आरोप लगाते हुए बताया कि मेरी नाबालिग लड़की शांति उम्र 16 वर्ष को बहला फुसला कर ले गए और उसके साथ बलात्कार करके मार दिया। अशोक लाट में बैठे हुए अनशन जारी कर रखा है, कहा कि जब तक अपराधी पकड़े नहीं जाते तब तक अनशन में मैं बैठे रहेंगे। पुलिस ने जांच करके रिपोर्ट लिखने का आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक रिपोर्ट नहीं लिखी गई है। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। हम गरीब लोग, हमारे साथ न्याय किए जाएं और खुले में घूम रहे अपराधियों को जेल भेजा जाए। दिन ब दिन हत्या, बलात्कार, चोरी जैसी घटनाओं से आज की जनता पूरी तरीके से त्रस्त हो चुकी है। बड़ा सवाल यह पैदा हो रहा है कि जब ऐसी घटनाओं की सूचना स्थानीय थाने पर दी गई तो FIR क्यों नहीं दर्ज हुई? आखिर मुलजिम क्यों नहीं पकड़े गए? अपराधियों के हौसले क्यों बुलंद हैं? आखिर किसका हाथ है इनके सर पर? क्यों ऐसी घटनाओं को दे रहे अंजाम? प्रार्थी धरने पर बैठने के लिए हुए मजबूर। बांदा से अनुराग तिवारी की रिपोर्ट। कहां से आए? चोटरा पहाड़। क्या मामला है? मामला यही है कि हम शांति कांड के खुलासा के लिए बैठे हैं अनशन में। किस प्रकार की दिलासा? दिला यही कि मेरी लड़की को 10 जुलाई को रात में 11:30 बजे मेटिंग गई है, तो उधर से 3-4 लोग रामनाथ बंटा के साथ मेरी लड़की को अगवा करके ले गया है। उसके साथ जो है बलात्कार करके हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद रेल की पटरी में डाल दिया। अच्छा, कोई पुलिस में गई है आप? कहीं पुलिस में हम गई हैं, इस दिन तो नहीं जा पाए हम, अब लड़की ही में लागे रहे। और 13 तारीख मेरे बेटे के पीछे पड़ा था और मेरे बेटे के को इस दिन भी जो है छेड़खानी की थी और उससे पहले भी मैंने रोका था, लेकिन पुलिस को भी बता दिया गया था। कई अपने कदम देने के बाद DIG के पास और व्यक्ति के पास, CO के पास, DM के पास, मैं हर जगह अपने कदम दे चुका हूँ, बता चुका हूँ। मेरी घरवाली ने भी अपनी पढ़ दी थी, उसके अलावा और बता दिया हो कि इसमें 3-4 अज्ञात हैं और मेरी बच्चे आत्महत्या नहीं की, मेरी जो आत्महत्या दिखा रही है, मेरी बच्चे का जो है मर्डर किया गया है और मर्डर मजबूर किया गया हो, चाहे जैसे किया गया सब खुलासा करके दे मुझको पूरी। ताज़ा तरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए।